मैं और कलीम भाई दुस्का खाते हुए, क्योंकि हम लोग का जसपुर जिले का सबसे फेवरेट दुस्का बोले तो सबसे फेवरेट नाश्ता में दुस्का ही आता है, तो हम लोग स्पेशली इसी को नाश्ता करने के लिए आ गए थे मैस होटल में। और मैस होटल में मुझे लगता है बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाता है दुस्का को, और चटनी भी मुझे लगता है बहुत ही स्पेशल रहता है। देखिए छोला है और इधर मिर्ची चटनी है, बहुत ही मज़ा आता है। ये है दोस्तों ये चाय दुकान जिसमें मैं अभी चाय पिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छा करता हूँ, स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपना अपना काम करेंगे। मेरा नाम दोस्तों तरुमा है, आपको जैसे कि छोटा ब्लॉग वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आज स्पेशली दोस्तों अपने दिनचर्या के बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल मेरे वीडियो में रेट देखते रहिए। और वह दोस्तों आपको स्पेशली बता देना चाहूँगा, मेरे पीछे में जो देख रहे हैं वो मेरा सिस्टम है जिसमें मैं वीडियो एडिट करता हूँ, और इधर मेरा सीपीयू है और इधर मेरा लैपटॉप है, इधर मेरा ड्रोन है, जो भी एसेसरीज है गंदा पड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा हाइट में है ना, तो स्पेशली मैं ऊपर में काम करता हूँ तो थोड़ा सा अभी बिखरा हुआ है, सामान को सफाई नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जल्दी साफ़ कर लूँगा। आज मुझे लगता है साफ़ करूँगा, क्योंकि थोड़ा फ्री नहीं था तो उसके वजह से नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि मेरा लगभग सुबह का जो डेली रूटीन है वो लगभग 5:30 बजे उठने का डेली रूटीन है, और मैं अपने मोबाइल में अलार्म लगा कर रखा हूँ 4:30 बजे का, क्योंकि 4:30 बजे अलार्म बजता है तो मुझे लगभग 1 घंटा उठ जाने का पूरी तरह से अब तक रूटीन बना लिया हूँ कि 4:30 बजे मेरा मोबाइल अलार्म बजता है और मैं 5:30 बजे तक फाइनली उठ जाता हूँ। और उठने के बाद मैं दोस्तों सबसे पहले मेरा गेट का ताला चाबी खोजता हूँ, मेरी मम्मी को उठाता हूँ, और मम्मी को उठाने के बाद मैं अपना गेट का ताला खोलता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ मॉर्निंग वॉक, अकेले जाता हूँ, और अकेले जाके फिर आता हूँ, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करता हूँ, पैदल चलना है और जाके वापस आना है। और आने के बाद कुछ एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, और एक्सरसाइज करने के बाद मेरे मम्मी को ड्यूटी छोड़ने जाना पड़ता है तो वहाँ जाता हूँ, और ड्यूटी छोड़ने के बाद फिर आता हूँ तो दोस्ती आदि लोग से मुलाकात हो जाता है। लेकिन आज स्पेशली दोस्तों मैं बता दूँ तो आप लोग को मेरे साथ मेरे फॉलोअर्स बोले तो मेरे सब्सक्राइबर जो बच्चे लोग हैं वो स्पेशली मिले थे, और मस्त मस्त लोग बोले कि भैया थोड़ा सा हम लोग मुलाकात कर दीजिए। स्कूल जाने के समय में दोस्तों लोग बोले कि थोड़ा सा हम लोग मुलाकात कर दीजिए आपके वीडियो में, तो मैं उन लोग से मिलाता हूँ आप लोग को दोस्तों, तो देखिए मिलिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को अपने जो स्टूडेंट लोग हैं आत्मानंद इंग्लिश मैडम उन लोग से मिलाता हूँ, तो ये लोग हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है साकिब खान, मैं पढ़ता हूँ लोयला इंग्लिश मीडियम में कुनकुरी। थैंक यू भाई। हाय गाइस, मेरा नाम है मोहित, मैं लोयला इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूँ। थैंक यू भाई। हाय गाइस, मेरा नाम है करान मोगनाथ, मैं आत्मानंद में पढ़ता हूँ। थैंक यू भाई। हाय गाइस, माय नेम इज कासिम अहमद एंड आई एम स्टडी आत्मानंद। थैंक यू भाई। मैं दोस्तों आप लोग को मिलाया बच्चे लोग से, आई होप आप लोग का अच्छा लगा होगा ये बच्चे लोग, क्योंकि मैं वीडियो भाई से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा वीडियो का किंग है, मतलब मेरे यूट्यूब वीडियो का किंग है ऐसा मुझे लगता है। और उसका बोलने का जो तरीका है बहुत ही औसम, मतलब बोलने का तरीका है, तो वीडियो भाई से मिलना चाहूँगा। तो वीडियो भाई प्लीज़ मेरे से मुलाकात करना यार, ज़रूर तेरे से मिलना चाहता हूँ। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ और क्या क्या नहीं करता हूँ, सारा चीज़ बताता हूँ। तो फिलहाल मैं अपने घर आ चुका हूँ और अभी बता दूँ आप लोगों को, तो मैं मम्मी को छोड़ने जाता हूँ लगभग 7 बजे, और 7 बजे छोड़ के आता हूँ, और लगभग 9 या 10 बजे मम्मी मेरे को कॉल करती है कि आजा बेटा लेने के लिए, तो मैं मम्मी को लेने जाता हूँ और ले कर आता हूँ, फिर नहाने जाता हूँ। अगर मॉर्निंग में नहाना होता तो उसी समय नहा लेता हूँ, लेकिन अगर लेट लतीफ होता रहता तो मुझे लगता है कि लगभग मम्मी को लेकर आता हूँ, फिर नहाता हूँ। उसके बाद मैं अपना जो मोबाइल में कमेंट वगैरह आता है उस सबको चेक करता हूँ कि कौन कौन कमेंट किए हैं, कौन कौन मैसेज किए हैं, ये सारे चीज़ को देखता हूँ और आप लोग को उसी के हिसाब से वीडियो बना कर दिखाता हूँ। तो फिलहाल अभी पिछला वीडियो में बता दूँ तो एक डीजे वाले भैया जो MK DJ है उनका वीडियो बना कर दिखाया था आप लोग को, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा वो भी। तो अभी फिलहाल मैं मुझे लगता है कि और भी कमेंट आया है, और कमेंट आया हो मैसेज भी आया है, बहुत लोग को नहीं पता होता दोस्तों कि कैसे कमेंट करते हैं कैसे क्या करते हैं, लेकिन मैं स्पेशली इस चीज़ को बता दूंगा अपने HD लाइफ में कि कैसे कमेंट करते हैं और कैसे
सब्सक्राइब करते हैं, कैसे लाइक करते हैं, सारी चीज़ को बताऊँगा। तो फिलहाल HD लाइफ को आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा उसको भी, क्योंकि उस चैनल में भी आप लोग मैं कुछ कुछ इंफॉर्मेशन देते रहता हूँ। तो फिलहाल उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा और उस चैनल को भी लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिलहाल इस चैनल के लिए बता दूँ तो इस चैनल में मेरे को लगता है कि बाकी काम जो दोस्तों मैं करता हूँ उस सारे चीज़ को दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हाथ पकड़ पकड़ के हाथ दर्द देने लगा है ना। तो मैं सोचा कि चाय पीने वाला सिचुएशन और नाश्ता करने वाला सिचुएशन, ये सारी चीज़ को दिखाता हूँ और बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये है दोस्तों मेरा मॉर्निंग का चाय, देखिए मैं ये चाय कहाँ पर पी रहा हूँ उसको दिखाऊँगा और बताऊँगा। ये मैं दोस्तों ये चाय दुकान में स्पेशली चाय पी लिया हूँ। अभी जो चाय दिखा आप लोग को मैं यही चाय दुकान में चाय पिया, इसका नाम दिखाता हूँ आप लोग को। ये है दोस्तों ये चाय दुकान जिसमें मैं अभी चाय पिया, और अभी मैं अपनी मम्मी को लेने जाऊंगा क्योंकि मम्मी को लेने का टाइम लगभग मुझे लग रहा हो जा रहा है। और मैं मुझे लगता है कि यहाँ से चाय पीने के बाद मम्मी को लेकर आता हूँ, लेकिन मैं अपने मोबाइल को चेक भी करता रहता हूँ कि कौन कमेंट किए हैं और क्या क्या है, ये सारी चीज़ को देखता हूँ और उसी के आधार पर काम भी करता हूँ। तो फिलहाल मेरे वीडियो में देखते रहिए कि मैं कौन सा कमेंट करूँगा और आज कौन सा वीडियो बनाने वाला हूँ, बने वीडियो में देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि आज दीपक भाई गांव गया हुआ है, तो उसकी वजह से दीपक भाई के साथ तो उठना बैठना नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं यहीं पर आता हूँ और यहीं पर जो समय होता है ना उसको बिताता हूँ। उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपना मोबाइल को भी खेलता हूँ, और मोबाइल को खेलता हूँ इसलिए कि जो कमेंट आया है ना वो सारे चीज़ को पढ़ता हूँ, और कौन कौन रील्स में या फेसबुक वाला जो रील्स होता है उसमें ट्रेंडिंग में चल रहा है वैसा वाला वीडियो को देख लेता हूँ, और अगर मन करता तो वैसे बना भी देता हूँ। लेकिन फिलहाल अभी मुझे लगता है कि समय का महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए और लगभग 10 बजने का इंतज़ार करना चाहिए मुझे। फिलहाल भाई अभी तो मुझे बज रहा है, अभी कितना बज रहा होगा यार दोस्तों? 9 बज रहा होगा ना अभी, और 9 बज रहा है दोस्तों, और मुझे लगता है कि 10 बजे का समय तक लगभग इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फिलहाल एक घंटा इंतज़ार करता हूँ दीपक भाई के दुकान के पास, क्योंकि मैं अभी दीपक भाई के पास दुकान के पास हूँ, ये देखिए। और दस धूप आ रही है, लेने दिखाई दे रहा है अच्छे से, बाकी मैं दीपक भाई के दुकान के पास हूँ। और दीपक भाई अभी गांव गया हुआ है बिहार, और यह है बिहार से बुकार टायर का देखो। तो अभी फिलहाल मैं यही बस इंतज़ार करता हूँ, अपने स्कूटी यहाँ पर है और मैं भी यहीं पे हूँ, इंतज़ार करते हैं और मिलते हैं कुछ देर बाद मम्मी के साथ। फिलहाल दोस्तों मैं आ चुका हूँ महेश होटल, और ये देखिए मैं और कलीम भाई दुस्का खाते हुए, क्योंकि हम लोग का जसपुर ज़िले का सबसे फेवरेट दुस्का, बोले तो सबसे फेवरेट नाश्ता में दुस्का ही आता है, तो हम लोग स्पेशली इसी को नाश्ता करने के लिए आ गए थे महेश होटल में। और महेश होटल में मुझे लगता है बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाता है दुस्का को, और चटनी भी मुझे लगता है बहुत ही स्पेशल रहता है। देखिए छोला है और इधर मिर्ची चटनी है, बहुत ही मज़ा आता है। तो मुझे यहाँ से खाने के बाद मुझे लगता है कि मम्मी को लेकर जाना है, तो अभी बना रही है, देखिए चटनी दे रहे हैं, अच्छा लगा। दोस्तों बज गया है 10 और मेरी मम्मी का कॉल आ गया है, और मैं अपनी मम्मी को लेने के लिए जा रहा हूँ, स्कूटी भी चला रहा हूँ। मेरी मम्मी सीखते हैं बल्ले रिपोर्ट मार देखते रहिए, क्योंकि मम्मी को लेकर जाऊँगा फिर नहाऊँगा धोऊँगा, उसके बाद जो भी करना है वो करूँगा। बोले तो मैसेज वगैरह तो जो भी पढ़ा था कमेंट वगैरह वो खाने के पढ़ चुका हूँ, और जो भी कमेंट पढ़ा हूँ उसको तो मैं होते तो स्क्रीन में शो कराऊँगा जरूर, क्योंकि कौन कौन कमेंट किए हैं, क्या है, कैसे है, सारी चीज़ बताऊँगा, फिर तुम्हारा देखे। फाइनली दोस्तों मैं अपनी मम्मी को लेकर जा रहा हूँ अपने घर, क्योंकि अब मम्मी का जो समय सीमा था ड्यूटी करने का वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, और मैं अभी जा रहा हूँ अपने घर को। फिलहाल अभी मैं घर की हो जाऊँगा, और मैं हो सके तो इस वीडियो को अंत भी करूँगा, क्योंकि लगभग मुझे लगता है कि मॉर्निंग वाला डेली रूटीन लगभग ठीक किया और मैं आपको बता दिया, क्योंकि इसके बाद मुझे हो सके तो वीडियो एडिट करना पड़ेगा, इस वीडियो को भी कंप्लीट करूँगी इस वीडियो को,
और इसको आज मैं शाम को अपलोड भी करूँगा। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर लंबा खींचूँगा तो मुझे लगता है शाम हो जाएगा, शाम वीडियो डाल नहीं पाऊँगा। और मुझे लगता है आज शाम को मुझे लगता है कि जयपुर का दौरा पड़ सकता है, क्योंकि वापस मेरे दोस्त की शादी है, मेरे यार की शादी है वाला नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा आप लोगों को। बने रहिए मैं और देखते रहिए, और मैं फिलहाल घर पहुँच के इस वीडियो का अंत करता हूँ। फिलहाल दोस्तों मैं अभी घर पहुँच चुका हूँ और मुझे लगता है इस वीडियो का अंत करना चाहिए, क्योंकि डेली रूटीन तो पूरी तरह से नहीं दिखा पाऊँगा, बस बता पाऊँगा, क्योंकि अभी मैं मुझे लगता है लगभग 10 या 10:30 बज रहा होगा समय, और मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग को मेरा मॉर्निंग कैसा होता है, मैं चाय कौन सा होटल पीता हूँ पूरी डिटेल के साथ देखना होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जहाँ पर चाय पीता हूँ जहाँ पर नाश्ता करता हूँ वो सारी चीज़ को आपके कमेंट के हिसाब से बनाऊँगा। तो फिलहाल बन रहे वीडियो में और देखते रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।